क्या जो भाग्य में लिखा है वही होगा? क्या हम अपने भाग्य को चेंज नहीं कर सकते? सबसे पहले हमें समझना होगा कि भाग्य क्या है। एक्चुअली कर्म की फल को भाग्य कहते हैं। हमारे जीवन में कुछ चीज़ें फिक्स हैं, जैसे कि सुख दुख, यश अपयश, लाभ हानि, जन्म मृत्यु। ये सारी चीज़ों को हम अपनी लाइफ से अवॉइड नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें हमारी कर्म के अनुसार हमको प्राप्त होती हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के प्रति हमारा जो रिएक्शन है, हमारा जो रिएक्शन होगा उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि दो फैमिली हैं, उन दो फैमिली में हस्बैंड वाइफ और उनका एक बच्चा रहता है। एक दिन क्या होता है, उन दोनों फैमिली में जो पिताजी होते हैं उनका देहांत हो जाता है। जो पहला फैमिली है उस फैमिली का बच्चा बोलता है कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अब मेरे पिताजी नहीं रहे तो मैं कैसे आगे बढ़ूँगा। वहीं दूसरी फैमिली का जो बच्चा है वो बोलता है कि भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकूं, मैं खुद की और अपनी मम्मी का ख्याल रख सकूं। इन दो फैमिली में सेम सिचुएशन है, लेकिन जो पहला फैमिली का बच्चा होता है वो इस दुख को सहन नहीं कर पाता, लेकिन जो दूसरा फैमिली का बच्चा है वो इस दुख को सहन कर लेता है। उसी तरह हमारी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे दुख आएंगे और प्रॉब्लम आएंगे। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस दुख को कैसे टैकल करते हैं।